तो क्या ये चीज इंडिया का बेस्ट एडजस्टेबल डंबल है भाई? जैसे आप लोगों को बताया है, दीज आर दी फ्लेक्सनेस्ट फ्लेक्सिबल्स। और आज हम इसका एक पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि मुझे ये डंबल्स कैसे लगे भाई। सो पहला ही चीज, द रीजन वाई ये डंबल्स इतने ज्यादा बिकते हैं, इसके साथ आपको ऐसा एक फेमस डायल मिलता है। इसको आप ऐसे रोटेट करके, इस साइड पे मैंने 10 पे कर दिया है और इस साइड पे भी अगर मैं 10 पे कर दूं तो आप ऐसे इस चीज़ को निकाल सकते हैं। इन दोनों साइड पे बहुत सारे वेट इंक्रीमेंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं 1 किलो, 1.5 किलो, 2 kgs, ऐसे कुछ डिफरेंसेस है इन वेट इंक्रीमेंट्स में। एंड इनको बेसिकली आप रोटेट करके आप डंबल को डिफरेंट वेट चेंज कर सकते हैं। आपको बार बार लॉक खोल के लॉक लगाने का वो झमेला ही नहीं रहा भाई, सिंपल डायल रोटेट करो और आपके डंबल्स रेडी। ये है एक 2.5 kgs। इस चीज से शुरू करके आप इसको ऑल द वे अप टू 24 kgs तक ले जा सकते हैं। और इस चीज़ को अगर आप पुल करेंगे देन ये है आपका 25 kgs का डंबल भाई। इसका जो ये डायल नॉब है, मैं बोलूँगा ये डायल नॉब बढ़िया है, बिकॉज आप सुनिए, एज यू कैन सी आपको प्रॉपर क्लिकिंग के साउंड इस पे आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 8 किलो का डंबल निकाल लिया है। एंड अगर इस प्लेट्स को अगर आप देखें, दीज आर दी प्लेट्स जो आपको इसके साथ मिलते हैं। प्लेट्स पे आप देखेंगे ये एक मेटल वाला अटैचमेंट सिस्टम है। बाकी जो प्लेट है गाइज, ये एक मेटल का प्लेट नहीं है, ये एक्चुअली मैं बोलूँगा ये चीज़ एक प्लास्टिक कोटेड है। इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, अंदर शायद मेटल हो, बट ऊपर, इसके ऊपर एक्चुअली प्लास्टिक कोटेड है, ये पूरा मेटल नहीं है। जो डंबल का क्रेडल देख रहे हैं आप, ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। चलो ठीक है, ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये प्लेट्स आपके क्यों प्लास्टिक के कोटिंग है। इसके अंदर अगर सचमुच में ही मेटल है देन ये प्लास्टिक का कोटिंग क्यों दिया गया है, कोटिंग किया गया है, इसके अंदर मेटल है कि नहीं, दैट्स रियली अप फॉर डिबेट। इसको तोड़ के देखना होगा भाई। अभी अगर आप डंबल को बेसिकली देखें, इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बेसिकली, ये जो दोनों पिंस देख रहे हैं आप क्रेडल पे, इन दोनों पे ये ऐसे लॉक होता है। इसको अगर आप ऐसे डाल देंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे देन जैसे आप देख रहे हैं ये जो अंदर का मेटल का पार्ट है ये ऐसे रोटेट होता है और फिर लॉक होने के बाद आपके ऐसे वेट प्लेट्स इसमें से बेसिकली निकल आते हैं। अगर डंबल रॉड को आपके बिना कोई वेट के निकाले ना, आप देखेंगे ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जो बेसिकली चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे ही आपका वेट अटकता है। जो वेट प्लेट्स मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे अटकता है बेसिकली। यहाँ पे ऐसे कटआउट्स दिए गए हैं जिसके अंदर बेसिकली वेट प्लेट आपका अटकेगा। और ये चीज़ भी एक्चुअली प्लास्टिक का ही बना हुआ है। वेट प्लेट्स के ऊपर कोटिंग भी प्लास्टिक का था, ये चीज़ भी आपका प्लास्टिक का ही बना हुआ है। आप इसको हाथ देंगे आप समझ जाएंगे, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं मतलब कुछ बेकार चीज़ दे दिया है। बट ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो वेट चेंजिंग मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है, ये मेटल का बना हुआ है, बट ये चीज़ें प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब ये प्लास्टिक वाला चीज़ माइट नॉट नेसेसरीली बी अ प्रॉब्लम अनलेस एंड अंटिल आप डंबल्स को ड्रॉप कर रहे हैं। इस डंबल पे हर जगह पे लिखा है डू नॉट ड्रॉप दिस डंबल्स, प्लास्टिक के बने हुए हैं, इनको रिपीटेडली आप ड्रॉप करेंगे देन ये टूट जाएंगे। एंड मैं भी इनको एकदम भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन डंबल्स को ड्रॉप कीजिए भाई। प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, क्वालिटी अच्छा है, प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा है, बट फिर भी प्लास्टिक है भाई, मेटल नहीं है प्योर। प्लीज बाहर का लेयर तो मुझे मेटल एकदम भी नहीं लगा। इनका एक और ड्रॉबैक मैं बोलूंगा कि यार इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। आप मेरे बॉडी के कंपेरिजन में देख सकते हैं, ये लिटरली मेरे बॉडी से भी ज्यादा है। एंड दिस इज जस्ट अ 5 kg डंबल। अब इसको साइड पे ऐसे कर्ल करेंगे, जैसे आपको देख रहा है कि आपको हाथ बहुत ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ रखना होगा। आप कुछ इस तरीके से कर्ल कर सकते हैं। द साइज ऑफ दिस डंबल्स डू नॉट चेंज, आप जितना भी इसको वेट इंक्रीज या डिक्रीज करें। बट बाइसेप कर्ल्स के बिना बाकी मूवमेंट में आई डोंट थिंक ये साइज उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस करें देन ये साइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कुछ अलग से ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल डंबल के साथ करते हो वैसे ही आपको फील होगा। ये एक 10 kg का डंबल है, 24 kg का डंबल भी आपका सेम साइज रहेगा। सिर्फ आई गेस डंबल कर्ल्स में इनका साइज आपको मेन प्रॉब्लम करेगा भाई, बाकी मूवमेंट्स में आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील भाई। बट जिम में अगर आप छोटे डंबल्स के साथ यूज टू है ना, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। जब आप ऐसे शोल्डर प्रेस करते हैं ना, ये लाइक आपको बहुत ज़्यादा बल्की लगता है। वेट सेम लगेगा आपको, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्की लगता है। बट आई थिंक इसको यूज़ करते करते यू विल गेट यूज टू इट, एक्सेप्ट फॉर बाइसेप कर्ल्स। बाकी मूवमेंट में इसका साइज आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक और चीज़ मैंने इसके साथ देखा है कि हर बार ये क्रेडल में
ठीक से बैठता नहीं, इस बार ठीक से बैठ गया, बट कभी कभी ऐसे बैठने के बाद ये जो डायल है ये घूमना नहीं चाहता, कभी कभी होता है, नॉट ऑल द टाइम। तो अभी हम इन डंबल्स के साथ एक टेस्ट करते हैं, मैं हर एक वेट को चेंज करके एक बार निकालूंगा और डालूंगा, एंड लेट्स सी ये कितना बढ़िया तरीके से वर्क करता है। ये है 2.5 kgs, ये देखिए अटक गया। ये 4.5 kgs, मैं बोलूंगा 90% ऑफ द टाइम ये डंबल्स ठीक से काम करते हैं, 10% ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा घुमाने में प्रॉब्लम होता है, और उसको भी ऐसे अंदर ऐसे प्रेस कर देंगे फिर ही आराम से घूमेगा। तो इसका चेंजिंग मैकेनिज्म काफी अच्छा है। तो इस डंबल के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज में मैं बोलूँगा सबसे पहले ये चेंजिंग मैकेनिज्म काफ़ी बढ़िया है, मैकेनिज्म काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, 24 किलो वेट तक भी जाता है ये, और इसके जो वेट इंक्रीमेंट्स है 1.5 किलो मैक्सिमम 2 किलो तक ही है ये, आप धीरे 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 प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं इन दिस डंबल, ऐसा नहीं कि 15 किलो के बाद डायरेक्ट 20 किलो है। इसके जो कॉन्स लगे मुझे वो नंबर वन है डंबल का साइज काफी बड़ा है, और एक जो कौन है काफी ज्यादा प्लास्टिक यूज किया गया इवन, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेबिलिटी कैसा होगा वो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। अगर ये मेटल का होता है, एटलीस्ट प्लेट्स अगर मेटल के होते देन मैं बोल देता कि यार सालों के सालों लास्ट कर जाएंगे आराम से, बट क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग दिया गया है ना, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म में कैसा होने वाला है। बट अगर आप इन डंबल्स को खरीदने की सोच रहे हैं, आप इस एडजस्टेबल फीचर की वजह से ही इनको खरीदने की, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और इजी टू यूज है भाई। सिंपल डंबल को निकालो, ऐसे नॉब घुमाओ और आपका वेट चेंज हो गया भाई। वैसे इस जैसे डंबल्स अमेजोन पे काफी और भी है, क्यूब क्लब के एक और है, कल्ट फिट एक ब्रांड है उसका भी एक और है, और रिसेंटली XRT 365 नाम करके एक ब्रांड है उसका भी है। तो इनमें से सबसे जो लोएस्ट प्राइस होगा और सबसे बढ़िया रिव्यूज जिसके होंगे उसको ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। फ्लेक्सनेस का रिव्यू किया है, बट आई थिंक फ्लेक्सनेस का दाम हमेशा ज्यादा रहता है बिकॉज इन्होंने अपना ब्रांड नेम बना लिया है, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा अगर आपको वो चेकआउट करना है। इन सारे डंबल्स के लिंक, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में।